बीपीएससी और कई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। तो आपका पहला प्रश्न यह है कि हर घर तिरंगा ब्लैंक से ब्लैंक अगस्त तक मनाया जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 से 15 तक। इसका एक्सप्लेनेशन है, नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने, तिरंगा के साथ सेल्फी लेने और उसके हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया। 2024 में आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि किस महासागर संरचना का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। भारत ने हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे की भू वैज्ञानिक संरचनाओं के नाम प्रस्तावित किए हैं, अशोक सी माउंट और चंद्रगुप्त रिज का नाम मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है। कल्पतरु रिज तीसरी संरचना है जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन ग्राफिक संगठन IEAHO और यूनेस्को के अंतर्गत सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IEOC ने हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तावित नामों की मंजूरी दी है। और आपका लास्ट यह है कि कुल मिलकर अब हिंद महासागर में 7 रचनाएं हैं जिनका नाम मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, या हिंद महासागर के इस क्षेत्र में भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उपदायक है, उत्पादक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ब्राज़ील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत चीनी का। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि 64 अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन IEASO परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में की गई है। भारत ने 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन IEASO परिषद की बैठक की मेजबानी की। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि 24 जून 2024 को शुरू हुए 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। इस सत्र में नए संसद भवन में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का ऐतिहासिक पहला शपथ ग्रहण समारोह